हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी अपनी सेफ्टी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे किलोमीटर स्टोन के बारे में। किलोमीटर स्टोन क्या होता है, उसका यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, टोटल जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप बस हमारे वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है ये एस एच ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन? देखिए, दो टाइप का किलोमीटर स्टोन होता है, एक ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन, एक फिफ्थ किलोमीटर स्टोन। तो अभी हम जानेंगे ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन। ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन क्या होता है, इसका कलर ग्रीन क्यों है, ठीक है, कहीं आपको येलो देखने को मिलेगा, तो ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो ये क्या है एस एच किलोमीटर स्टोन? अगर आप किसी रोड में जा रहे हैं, आपको इस टाइप का स्टोन देखने को मिलेगा रोड के साइड में, मतलब आप एस एच मतलब स्टेट हाईवे में सफर कर रहे हैं। उसका क्या ये है, कैसे आप पहचानेंगे, ये देखिए, उसका जो सेमी सर्कुलर है ऊपर का पार्ट, ये आपको ग्रीन में दिखेगा। ग्रीन का मतलब है आप एस एच में जा रहे हैं, ठीक है। और ये 74 क्या है, 74 उस एस एच का नंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मीन्स आप एस एच 74 से गुजर रहे हैं। अब ये पटना, पटना क्या है, पटना 80। अब क्या, जैसे पटना किस लोकेशन में, आप जब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, मतलब वो रोड जहां से स्टार्ट हुआ वो उसका किलोमीटर को दर्शाता है, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसका डिजाइन देखें, अब इसकी हाइट कितनी होती है, टोटल हाइट इसकी 660 mm की हाइट होती है, ठीक है। अब इसकी जो देखो अंदर की जो इसकी विथ है, ये 350 mm है। अब ये पूरी 370 mm, इधर 10 10 mm और बढ़ गया 370 mm, जो इसका बेस होता है 10 मीटर, 10 मीटर है 370 mm का, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी जो हाइट है, ये इस बेस की हाइट होती है 100 mm, ठीक है। तो ये इसके डिजाइन हो गई। अब ये क्या है, 26, 26 क्या है, 26 उस किलोमीटर पे, मतलब जैसे अगर पहला किलोमीटर स्टोन पे मान ले 1 है, मतलब ये उसको दर्शाता है ये कौन सा किलोमीटर स्टोन है, मतलब ये 26वां किलोमीटर स्टोन है, ठीक है, ये उसको दर्शाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये इस साइड में। अब जब इसको साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू देखने को मिले आपको इस टाइप का लिखा मिलेगा, मतलब समझ लो आप वो उस किलोमीटर स्टोन का नंबर है, मतलब 26वां नंबर है वो, ठीक है। अब हाँ, ये क्या है, जितने भी ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन है वहां पे जो लिखावट होगा वो वहां के लोकल लैंग्वेज होगा। जैसे मैं बिहार की बात करूँ, बिहार की पटना, तो वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, तो हिंदी या हो। अगर ये आप बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पे बंगला लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप ये महाराष्ट्र में जाएंगे या मराठी या साउथ में जाएंगे तो ये वहां का लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब इसका प्लेसमेंट कैसे करते हैं, चले एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ये देखिए, ये एक रोड है जो पटना को मान लो जाती है, ठीक है। अब आप रोड से जा रहे हैं, ये आप रोड से जा रहे हैं, आपको दिख रहा है जो इस टाइप का किलोमीटर स्टोन प्लेस्ड है। मीन्स आप एक तो पटना जो है यहाँ कहीं प्लेस्ड है जो 80 किलोमीटर स्टोन पे प्लेस्ड है, ठीक है, सॉरी 80 किलोमीटर पे प्लेस्ड है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट, फिफ्थ किलोमीटर स्टोन। अब फिफ्थ किलोमीटर स्टोन मैंने आपको पहले ही बोला, फिफ्थ किलोमीटर स्टोन क्या, दो टाइप का स्टोन होता है, एक ऑर्डिनरी एक फिफ्थ किलोमीटर स्टोन, मतलब ये हर 5वें किलोमीटर पे प्लेस्ड रहेगा। वो जो ऑर्डिनरी है वो हर 1 किलोमीटर पे प्लेस रहता है, और ये जो फिफ्थ किलोमीटर, ये हर 5वें किलोमीटर पे प्लेस रहेगा। इसकी साइज ऑर्डिनरी प्लेस किलोमीटर के मुकाबले ज्यादा होती है। उसका हाइट कितनी थी, 660 mm, और इसकी हाइट कितनी है, लगभग 1.075 मीटर, मतलब 1075 mm, ठीक है, इसकी हाइट है। अब इसकी विड्थ 500 mm, और नीचे जो बेस के साथ 520 mm, ठीक है। अब उस पे और इस पे क्या, ये है, एक तो हाइट का डिफरेंस है ही, ठीक है, उसके अलावा क्या है, आप देखेंगे उस पे जो है, जो वहाँ लोकल लैंग्वेज है, हर किलोमीटर स्टोन पे लोकल लैंग्वेज लिखा था, चाहे वो हिंदी हो मराठी हो, लेकिन हर फिफ्थ किलोमीटर स्टोन पे आपको रोमन में देखने को मिलेगा, मीन्स इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब सपोज कर लिए क्या है, पटना जो स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग 01 से स्टार्ट है, ठीक है, मतलब पटना वहाँ है।
अब ये नालंदा 80, ये क्या, ये किसको दर्शाता है? मतलब यहाँ से पटना से जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ये है डेस्टिनेशन, मीन्स जो ये उसको दर्शाता है, जो जो बिग सिटीज होते हैं, मतलब जो काफी नाम वाले सिटीज होते हैं, ये उसको दर्शाता है। मतलब 80 किलोमीटर, नालंदा जो है यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है, ये उसी को दर्शाता है। अब समझ गए, ये हर 5th किलोमीटर पे लगा रहता है। अब ये तो मैंने पहले ही बोला था, ये उस हाईवे का नंबर है, जैसे SH-74, ठीक है। अब ये क्या है, 65, ये आपको इस साइड, आप जब साइड व्यू से देखेंगे ना, इस साइड से, तो आपको इस साइड में देखने को मिला 65, मतलब उस किलोमीटर स्टोन का ये नंबर है, ठीक है। अब इसका यूज भी देख ले, अच्छा ये तो छूट गया, ये देखें अब इसकी हाइट क्या है, वहां थी ये 100 mm, तो ये वो क्या है, 130 mm की इसकी हाइट है बेस की, ठीक है। अब इसका यूज देख लेते हैं, एक रोड है, ये सारे क्या दिखे, यहाँ हिंदी लिखा है, 80 लिखा है, मीन्स ये किलोमीटर स्टोन, 1 किलोमीटर स्टोन का। अब ये देखिए, ये क्या, 5th किलोमीटर स्टोन, मतलब यहाँ इंग्लिश लिखा है दोनों में, ये 5th किलोमीटर है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ये लगा होता है। इसके बाद क्या, हर एक एक, एक, एक किलोमीटर पे ये 1 किलोमीटर लगा रहेगा, लेकिन क्या है, यहाँ से अगर जैसे 5वां किलोमीटर फिर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ मान लिया आप 80 है, फिर वहाँ 85, मतलब हर 5वें किलोमीटर पे ये 5th किलोमीटर स्टोन लगा रहता है, ठीक है। अब चले ये SH हो गया, उसी तरह आप चल रहे NH पे, NH ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन, ठीक है। अब NH का वहां देखिए, SH में क्या था, ये सेमी सर्कुलर जो ऊपर का पार्ट था ग्रीन था, मतलब वो SH था, लेकिन NH में क्या होता है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है, समझ जाएंगे आप, जो आप कहाँ से गुजर रहे, NH से गुजर रहे कि SH से गुजर रहे, ठीक है। ये उस हाईवे के नंबर को NH-45। अब पटना जैसे वहां स्टार्ट है 80 किलोमीटर पे स्टार्ट है पटना, तो ये उसको दर्शाता है, ठीक है। ये समझ लो आप, हर किलोमीटर स्टैंड पे जो ये लिखा रहता है, ये उसका लोकल लैंग्वेज लिखा रहेगा, ठीक है। इसका डिजाइन पहले ही बता दिया था पिछले वाले SH में, जो इसकी डिजाइन इतनी ऐसे होती है, ये जैसे 36 है, ये उसके किलोमीटर के नंबर को बताता है, जैसे 36, मतलब पीछे आपका 35-34 इसी तरह रहेगा, जैसे 36-37, नेक्स्ट जो आएगा 37, ये किलोमीटर स्टोन के नंबर को बताता है, ठीक है। अब इसका यूज देख लेते हैं, ये देखिए ये किलोमीटर स्टोन, मतलब आप रोड से जा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है, तो मतलब ये आप NH से जा रहे हैं, क्योंकि येलो है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट, चलिए अब हम 5th किलोमीटर स्टोन के बारे में जानते हैं, जो NH पे लगाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह इसका क्या होगा, ऊपर का जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, ये येलो पे होगा, और ये किसको दर्शाता है, उसके रूट को दर्शाता, मतलब उस NH के नंबर को, ये आप याद कर लो, ठीक है। ये ऊपर के दर्शक किसको दर्शाता है, NH के नंबर को, और ये हर 5th किलोमीटर स्टोन पे ये अंग्रेजी में लिखा रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। हर ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन पे तो लोकल लैंग्वेज होगा, लेकिन हर 5th किलोमीटर स्टोन पे ये अगर अंग्रेजी में लिखा रहता है, ठीक है। अब ये एक, ये क्या है, ये उसके किलोमीटर स्टोन के नंबर को दर्शाता है, मीन्स जैसे आप इसके बाद सॉरी 37 होगा, 38 होगा, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, इससे पहले मतलब अब 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका प्लेसमेंट देख लेते हैं, प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑरिजिनरी, ये देखिए ये 5th किलोमीटर स्टोन है, इसके यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ये ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन है, ठीक है। ये देखिए लोकल लैंग्वेज है, ये अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है। उसी तरह फिर ये 5th जो है, उसी तरह आगे तरफ 5वें किलोमीटर पे लिखा रहेगा, ठीक है। अब चले नेक्स्ट, अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या है, इसका कलर कुछ नहीं होगा, सिर्फ व्हाइट पे होगा, पूरा जो इसका डिजाइन होता है, चाहे ऑर्डिनरी हो या 5th हो, सबका डिजाइन जो होगा ये सिर्फ व्हाइट पे लिखा रहेगा, इस पे कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई कलर नहीं, तो आप समझ लो आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या, इसका प्लेसमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है।
ये आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से जा रहे हैं इसका मतलब है, ठीक है। अब इसका 5th किलोमीटर स्टोन भी देख लेते हैं। 5th किलोमीटर स्टोन, ये रहा 5th किलोमीटर स्टोन। डिजाइन सेम सारे का डिजाइन, आप बस कलर देख लो। यहाँ अगर ग्रीन है तो आप SS में जा रहे हैं, येलो है तो NH में जा रहे हैं, अगर ये व्हाइट है तो आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में से गुजर रहे हैं, ठीक है। इसका यही मतलब है, सारे का मीनिंग वही होता है। ये 74 है तो उस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का नंबर है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो नालंदा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, जो नेक्स्ट सिटी आएगा या टाउन, ये उसको दर्शाता है, ठीक है। अब ये उसके नंबर को दर्शाता है, उसका प्लेसमेंट भी हम देख लेते हैं। ये देखिए 5th किलोमीटर स्टोन। अब हम आ जाए विलेज रोड किलोमीटर स्टोन, कितने हम जान गए, SH, NH, ऑर्डिनरी। अब सॉरी ऑर्डिनरी बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अब विलेज रोड, अब गांव में जाते हैं आप, गांव में भी तो किलोमीटर स्टोन प्लेस रहता है ना, तो आप उसका डिजाइन जो है आप देख सकते हो, सेमी सर्कुलर आर्क था इसका, SH, NH एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। लेकिन विलेज रोड का जो किलोमीटर स्टोन का डिजाइन रहता है वो कुछ डिफरेंट रहता है, ये कुछ इस टाइप से, इसमें आर्क नहीं रहता है, ठीक है। और इसका जो कलर होगा, ये कलर व्हाइट होगा, व्हाइट पे ये ब्लैक लिखावट होगा, ठीक है। मतलब आप समझ लो आप विलेज रोड से गुजर रहे हैं। अब इसका डिजाइन देख लें, 485 mm का हाइट है ये, 350 mm का इसकी विड्थ रहेगी, और बेस के साथ 370 का, और ये इसी तरह इसकी जो बेस की हाइट होगी 100 mm की होगी, ठीक है। अब ये इसका प्लेसमेंट भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये मान लो एक विलेज रोड है, मान क्या लो विलेज रोड है ये, ठीक है। अब ये देख लो, बारसोई को एक जगह है जहाँ जिस गांव का नाम है, ठीक है, तो ये उसको दर्शाता है। चलिए अब सीखते हैं 200 मीटर स्टोन के बारे में। 200 मीटर स्टोन, या फिर इसको हेक्टोमीटर भी बोला जाता है। 200 मीटर आपको नाम में ही समझ में आ रहा है, ये हर 200 मीटर पे लगाया जाता है, ठीक है, रोड में। मतलब पहले आपका ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन होगा जो 1 किलोमीटर पे लगाते हैं, फिर वो 200 200 200 पे फिर नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन आएगा जो ऑर्डिनरी आता है। चलिए इसका प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। प्लेसमेंट से पहले इसका ये भी तो जान ले आप, डिजाइन भी इसकी हाइट होती है 350 mm की हाइट होती है, ठीक है। ये देखिए ये कोई रोड जा रही है, अब ये ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन लगा है, ये इसके 200 मीटर बाद लगा रहेगा, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो उसके 200 मीटर बाद लगा रहेगा। देख लेते हैं, ये देखिए हर 200 200 पे 200 200, फिर जो नेक्स्ट आएगा किलोमीटर जैसे पूरा जाएगा, फिर आपका वहां आ जाएगा ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, कुछ भी सीखे, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इस टाइप के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपको सेफ्टी के से रिलेटेड सारे नॉलेज सारी जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। चलिए यही समाप्त करते हैं, थैंक यू, बाय बाय।